हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सभी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं कि सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम आसानी से घर में मोमोज बना लेंगे और साथ में हम बनाएंगे स्पाइसी चटनी जो मोमोज के साथ खाई जाती है। तो आइए बना लेते हैं मोमोज घर में बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले हम अपने मोमोज के लिए चटनी बनाएंगे, स्पाइसी चटनी। और इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर एक पैन में पानी रखा है बॉईल होने के लिए, और इसमें मैं ऐड कर दूंगी कुछ टमाटर। मैंने इनको हाफ हाफ में कट कर लिया है। इस तरह देखिए, 4 से 5 टमाटोज हैं, रेड टमाटोज, इनको मैंने इस तरह से हाफ हाफ में कट किया है। इन्हें हल्का सा बॉईल करना है, बस इतना कि इसका जो छिलका है इजिली निकल जाए। टमाटर डाल दिए मैंने, साथ ही मैंने यहाँ पर ली है कुछ ये सूखी लाल मिर्चें, ये भी ऐड कर देंगे ताकि हमारी जो चटनी है वो स्पाइसी सी बन जाए। ये मिर्चें भी हम इसी में ऐड कर देंगे पानी में, इन्हें भी हम साथ में ही बॉईल करेंगे। मैंने 8-10 ली हैं, आप जितनी चाहे ले सकते हैं। लाल मिर्चें सूखी वाली हैं। अब मैं इसे कवर कर दूंगी और मैं इसे कुक करूंगी 2 से 3 मिनट के लिए, बस इतना कि छिलका निकल जाए टमाटरों का, इतना ही बॉईल करना है। तो हमने अपने टमाटरों को 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल किया था, अब इसे हम खोल के चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे टमाटर बॉईल हो गए हैं, बस 2 से 3 मिनट बॉईल करना है इन्हें। और देखिए, छिलका निकलना शुरू हो गया है इनका, बस इतना ही बॉईल करना था इनको। बस मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। देखिए, मेरी मिर्चें जो हैं, ये लाल मिर्च हमने जो साथ डाली थी, ये भी बॉईल हो गई हैं, साथ में फूल गई हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो हमने अपने टमाटरों को गर्म पानी में से निकाल लिया है, और देख सकते हैं इसका छिलका, देखिए कितना ईजिली निकल रहा है। इस तरह से हम सारे टमाटरों के छिलके निकाल लेंगे। और जो हमारी मिर्चें हैं, देखिए ये भी बॉईल हो गई हैं हल्की सी स्पाइसी चटनी के लिए। तो इस तरह से हमने अपने सारे टोमेटोज के छिलके देखिए निकाल दिए। और अभी थोड़ा गर्म है ये, इसे ठंडा कर लेंगे हम। ठंडा करने के बाद इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ हमने सभी टोमेटोज के छिलके निकाल दिए हैं, और ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको हम पीसेंगे। तो जब तक ठंडे होंगे तब तक हम अपना मोमोज के लिए डो बना लेते हैं। तो जब तक हमारे टमाटर ठंडे हो रहे हैं, हम अपना डो बना लेते हैं मोमोज के लिए। तो देखिए, मैंने एक बोल में मैदा ले रही हूँ, ये 1 कप मैदा, 2 कप मैदा लूंगी मैं, और ये 2 कप मैदा ले ली हमने। तो 2 कप मैदा में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और नमक को मिक्स कर दिया। अब बस मैं पानी से इसका डो बनाऊंगी, और पानी मैंने ठंडा लिया है, ठंडे पानी से हम इसका डो बना लेंगे, सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। बस मैं इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर रही हूँ इस समय। तो हमने मैदा का डो बना लिया है, हल्का सा ऑयल लिया है मैंने हाथ पे, और ऑयल लगा देंगे ऊपर से। हमने अंदर नहीं लगाया था ऑयल, ऊपर से ऑयल लगाकर एक बार मसल लेंगे अच्छी तरह से इसको, बहुत अच्छी तरह से। और बस अब इसको हम कवर करके रख देंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ हमारे टमाटर और हमारी मिर्चें ठंडी हो गई हैं। हमने यहाँ पर लिया है एक मिक्सी का जार, इसमें हम डाल देंगे अपनी मिर्चें जो हमने देखिए बॉईल की थी, और टमाटर डाल देंगे। इन सबको हमें पीसना है, तो इनको बहुत बारीक चटनी नहीं बनानी इसकी, थोड़ा रफ पीसेंगे, थोड़ा सा मोटा पीसेंगे इन्हें हम। बस मैं इसको पीस लेती हूँ। तो लीजिए, हमने अपने टमाटर और हमारी जो मिर्ची थी इन्हें हमने पीस लिया है। तो देखिए, हमने बस 1 टीस्पून ऑयल गरम किया है, स्प्रेड कर लेंगे ऑयल को, बस 1 टीस्पून ऑयल है। और इसमें हम ऐड कर देंगे अपना जो हमने पीसा था ना टमाटर। तो यहाँ हमारी टमाटर की चटनी पक रही है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, देखिए विनेगर है ये 1 टीस्पून। तो देखिए, हमने ये ऐड किया है इसमें विनेगर, जिसे हम कहते हैं सफेद सिरका, ये हमने 1 टीस्पून ऐड कर दिया। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे सोया सॉस। तो सोया सॉस मैं ऐड कर रही हूँ बस 1/2 टीस्पून। तो इसमें हमने विनेगर और सोया सॉस ऐड कर दी, और साथ में हम ऐड कर रहे हैं इसमें 1 टीस्पून चीनी, और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक थोड़े ऐड करेंगे हम, क्योंकि सोया सॉस ऐड की हमने और सॉस के अंदर नमक होता है, तो नमक ध्यान से ऐड करेंगे। अब इसको हम पकने देंगे
दो से तीन मिनट के लिए कम से कम लो टू मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि हमारी सॉस है गाढ़ी ना हो जाए। तो हमने अपने टमाटरों को दो से तीन मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाया था, और देखिए हमारी जो सॉस है स्पाइसी, हमारी मोमोज की सॉस तैयार हो गई है। देखिए काफी ठीक हो चुकी है, बिल्कुल रेडी है ये, काफी स्पाइसी बनी है हमारी सॉस। अगर आप कम मिर्च खाना पसंद करते हैं, कम स्पाइसी पसंद करते हैं, तो आप मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिएगा। तो सॉस तो अब रेडी है मोमोज के लिए, अब मोमोज बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक छोटी वाली पत्ता गोभी को ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस किया है कैबेज को, और इसमें काफी पानी होता है तो मैं इसको हल्का सा निचोड़ लूंगी पहले ही, इस तरह से प्रेस करते हुए। देखिए बिल्कुल पानी निकल जाएगा इसका, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना, इस तरह से हम इसको हल्का हल्का सा प्रेस करके थोड़ा सा पानी निकाल देंगे। अगर नहीं निकालेंगे तो जब हम मोमोज बनाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी हमें बनाने में, और मोमोज फट जाएंगे हमारे, इसलिए इसको हल्का सा, देखिए पानी निकल आया है इसका इस तरह से। तो मैं सारी अपनी कैबेज को इस तरह से निचोड़ लेती हूँ। एक छोटे साइज की कैबेज थी ये मेरे पास, इस तरह से निचोड़ लेती हूँ, देखिए पानी निकल आया। तो यहाँ पर हमने अपनी पत्ता गोभी को देखिए निचोड़ लिया है, पानी निकाल लिया है इसका, और बहुत ज्यादा नहीं निचोड़ना है इसको, नहीं तो बहुत ड्राई हो जाएगी और हमारे मोमोज अंदर से बहुत ड्राई लगेंगे, और अगर गीली होगी बहुत तो हमारे मोमोज फट जाएंगे बनाते समय। तो हल्का सा निचोड़ना है बस। अब इसमें हम ऐड करेंगे बाकी चीजें, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रेट की हुई गाजर है ये, कद्दूकस की गाजर, गाजर थोड़ी ऐड करेंगे। तो हमने इसमें गाजर ऐड कर दी है, और हम इसमें ऐड कर रहे हैं कैप्सिकम जो बारीक कटी हुई है, अदरक और हरी मिर्च भी ऐड करेंगे, अदरक हरी मिर्च और कैप्सिकम। अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ मसाले, अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, और हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर है ये भी ऐड कर दिया हमने हाफ टी स्पून, और थोड़ी सी चीनी डलती है इसमें, और अब इसको हम सबको मिक्स कर देंगे। तो इसको हम भूनेंगे नहीं, इसको इसी तरह से हम कच्चा ही भरते हैं, तभी जो हमारी मोमोज की स्टफिंग है एकदम जूसी लगती है। तो कुछ लोग इसको भून भी देते हैं पर वो सही नहीं है, इसको इसी तरह बनाया जाता है। बस मिक्स करेंगे इसको, यहां मैं इसमें 1 टीस्पून ऑयल भी ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो बटर भी ऐड कर सकते हैं, और सब चीजों को हाथ से इसी तरह से हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो हमारी जूसी सी फिलिंग तैयार हो गई है, बिल्कुल भी भुना वुना नहीं है इसको, अदरक हरी मिर्च और सब सब्जियों के साथ बहुत टेस्टी हमारी फिलिंग तैयार है बिल्कुल। तो हमारी मोमोज की सॉस तैयार है, हमारी स्टफिंग भी तैयार है। हम अपना मैदा चेक कर लेते हैं, इसको हम अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह से मसल लेंगे, इसको 1 मिनट तक इसी तरह से हम गूंद लेंगे अच्छी तरह से, ताकि बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए और हमारे मोमोज बहुत अच्छे बने। तो हम अपने मैदा में से बहुत ही छोटी छोटी सी लोइयां तोड़ेंगे, बहुत ही छोटी छोटी सी, तो देखिए हमने कुछ छोटी छोटी सी लोइयां तोड़ ली हैं इस तरह से, और अब एक लोई लेंगे हम और बनाएंगे अपने मोमोज, इसे हम कवर कर देंगे नहीं तो ये ड्राई हो जाएगा। तो देखिए छोटी सी बॉल ली है हमने बिल्कुल, और इसको सूखे आटे में लगाएंगे हम, सूखे आटे में डिप करके अब इसे हम बेलेंगे, पतला सा बेलेंगे हम, और कोशिश करिए कि साइड ज्यादा पतली हो इसकी, साइड्स पे ज्यादा ध्यान देंगे बेलते समय। तो लीजिए हमने बहुत पतला सा बेल लिया है, देखिए पतली सी पूरी बेली है मैंने इसकी, ये देखिए बिल्कुल ही पतली है, देख सकते हैं आप। अब इसमें हम भरेंगे अपनी फिलिंग, तो मैं 1 चम्मच भर के फिलिंग इसमें भर दूंगी इस तरह से, मैंने ज्यादा ही भरी है, 1.5 चम्मच भर दी मैंने, कुछ जितनी अच्छी फिलिंग होगी इतने हमारे मोमोज टेस्टी बनेंगे। अब इसको हम बंद करेंगे, तो मैं इस तरह से चुन्नटे बनाऊंगी, देखिए इस तरह से ये चुन्नटे बनाएंगे, इस तरह से प्लीट्स बनाएंगे हम, और एक के ऊपर एक रखते जाएंगे प्लीट्स को इस तरह से।
इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने कुछ अपने ये प्लीट्स वाले मोमोज तैयार कर लिए हैं। तो हम एक और तरह से बनाएंगे। तो ऐसे ही मैं पूरी को पहले पतला बेलूंगी। तो देखिए हमने इस तरह से खूब पतली सी पूरी बेली है, एकदम पतली है पूरी हमारी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी है। देखिए अब इसमें हम फिलिंग रखेंगे। ये थोड़ा सा इजी तरीका है, अगर आपको प्लीट्स बनाना मुश्किल लगता है तो। देखिए हमने फिलिंग रख दी। अब इसको हम जैसे गुजिया बनाते हैं ना, बस उस तरह से हमने हाफ में फोल्ड कर दिया इसको। पानी लगाने की जरूरत नहीं है, ये चिपक जाएगा अपने आप ही। ऐसी हमने साइड से बंद कर दिया, अब कोई गुजिया की तरह देखिए चिपका दिया साइड्स को। और बस इस कोने को और इस कोने को हमें मिक्स करना है और चिपका देना है यहाँ पर प्रेस करके। ये बस देखिए ये हमारा सुंदर सा एक और मोमो तैयार हो गया है। अब मैं कुछ इस तरह तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ मोमोस तैयार कर लिए हैं और यहाँ पर हमने एक चलनी ली है, इसको मैंने ऑयल लगा दिया अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें हम अपने मोमोस बनाने वाले हैं। तो इसको हल्का सा ऑयल का लगा रहे हैं ताकि हमारे मोमोस चिपके नहीं इसके ऊपर। और बस इनके ऊपर हम अपने मोमोस रख देते हैं और इनको हमें स्टीम करना है। और ये वाली भी रख देते हैं। तो आप स्टीमर में स्टीम कर सकते हैं, अगर स्टीमर नहीं है आपके पास तो किसी कढ़ाई में आप पानी भर लीजिए और इस तरह से चलनी में रखकर और आराम से स्टीम कर सकते हैं। इस तरह से हमने अपने सभी मोमोज रख दिए हैं चलनी में। और थोड़ा गैप होना जरूरी है इनमें, नहीं तो चिपक जाएंगे आपस में और फिर टूट सकते हैं स्टीम होने के बाद। थोड़ा थोड़ा सा गैप होना चाहिए आपस में। और बस मैं इसको रख देती हूँ स्टीम होने के लिए। तो देखिए अब मैंने कढ़ाई में पानी बॉईल किया है, एक गिलास पानी डाला था मैंने कढ़ाई में और पानी बॉईल हो रहा है हमारा। इसमें मैं अपनी ये छलनी रख दूंगी इसके ऊपर इस तरह से देखिए, और इसको अब हम कवर करेंगे। तब इसे मैं कवर कर दूंगी और इसे स्टीम करेंगे हम कम से कम 15 से 20 मिनट तक और फिर चेक करेंगे। तो हमने अपने मोमोज को 20 मिनट के लिए स्टीम किया है, अब इसे हम खोल के चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं मोमोज के ऊपर एक शाइन सी आ गई है और थोड़े से फूल गए हैं, इसका मतलब हमारे मोमोज बिल्कुल रेडी हैं। मैं गैस ऑफ कर देती हूँ, इन्हें निकाल लूंगी। तो लीजिए फ्रेंड्स अब बिल्कुल तैयार है हमारे घर के बने हुए साफ सुथरे मोमोज, जो कि बहुत टेस्टी बने हैं, साथ में हमारी सॉस जो हमने बनाई थी तो बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। तो लीजिए फ्रेंड्स बिल्कुल तैयार है हमारे घर के बने हुए बहुत ही सुंदर साफ सुथरे मोमोज, और आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से बने हैं, सब्जियां दिख रही हैं अंदर से, तो इसी तरह से होने चाहिए बिल्कुल। रैपर बिल्कुल पतला होना चाहिए ऊपर का। तो बहुत ही टेस्टी बने हैं फ्रेंड्स। हमारी स्पाइसी सी सॉस है जो हमने पहले बना ली थी मोमोज के लिए, ये भी बहुत टेस्टी बनी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे जल्दी ही ट्राई भी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा, सेहतमंद रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।